क्या आपको पता है कि सभी कंपनियां एक ही जैसा ही ब्लेड का शेप क्यों बनाती है? आखिर एक कंपनी का तो एक शेप ठीक है, लेकिन सब कंपनी अपने माइंड के अनुसार अपने अनुसार क्यों नहीं अलग अलग शेप बनाता है, एक ही शेप क्यों बनाता है? एक्चुअल बात यह है कि साल 1901 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैप जिलेट ने अपने पार्टनर विलियम निक्सन के साथ मिलकर ब्लेड का डिजाइन किया था और इसी ब्लेड के डिजाइन को अगले 25 वर्षों के लिए पेटेंट बना लिया और 1904 से ब्लेड का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। एक्चुअली शुरुआती दौर में जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ब्लेड और रेजर दोनों बनाती थी। रेजर में ब्लेड को फिक्स करने के लिए ब्लेड को एक खास तरह का डिजाइन किया गया। जब जिलेट कंपनियों का कारोबार आगे बढ़ा तो मार्केट में दूसरी कंपनियां भी आई जो कि ब्लेड बनाना चाहिए, बट रेजर तो इकलौता सिर्फ जिलेट कंपनी ही बनाती थी तो उन्हें मजबूरन उसी जिलेट के डिजाइन के नक्शे पर अपना ब्लेड का भी डिजाइन करना पड़ा और वही पुराने वाले डिजाइन को कॉपी किया। अगर कोई कंपनी नया डिजाइन बनाता तो उनका ब्लेड उस जिलेट के रेजर में फिट नहीं बैठता तो उन्हें मजबूरन वही डिजाइन बनाना पड़ता जो कि जिलेट कंपनी स्टार्टिंग से बनाता आ रहा था। जिलेट कंपनी ने ब्लेड का डिजाइन का 25 वर्षों का पेटेंट ही साइन किया था, पर जब अपना कारोबार का मुनाफा देखा, प्रॉफिट देखा, तो वो आगे भी इसी तरह डिजाइन का फॉलो रहा और बाकी सारी कंपनियां भी वही जिलेट के ब्लेड के नक्शे कदम पर चलती आ रही है। तो आज तक सेम सारी कंपनियां वही डिजाइन के नक्शे पर अपना भी ब्लड प्रोडक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करते सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।